की स्थिति में ये दम न रहने पाए। दूसरी पार्टी आपके पास आई होगी सपा बसपा का गठबंधन। भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा परेशानी तो इस गठबंधन को आ गई है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा लोगों में कि रिश्तेदारी कैसे। बेचारा शिवपाल यादव परेशान हो, कहता हमारी कोई बहन ही नहीं तो बुआ कहां से आ गई। और एक तरफ ये नई रिश्तेदारी तो जुड़नी शुरू हुई, कोई बुआ का, कोई भतीजे का, कोई भाई का, कोई बहन का। लेकिन याद रखना, ये जितनी भी रिश्तेदारी जुड़ रही है ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की रिश्तेदारी है। ये रिश्तेदारी प्रदेश को और देश को लूटने की रिश्तेदारी है, और ये लूट की राजनीति देश की जनता को बंद करना ही चाहिए। और ये लूट केवल मोदी जी बंद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बंद कर सकता। वैसे भी हर व्यक्ति जानता है कि बुआ और बबुआ की ये जो दोस्ती है, ये जो दोनों के बीच में ये गठबंधन बना है, ये केवल 23 मई तक है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि 19 को चुनाव संपन्न होंगे, 23 तारीख को परिणाम होंगे, इस दौरान ही मुझे बीच में एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी कि भाई देखो, बुआ और बबुआ के बीच में जब मनमुटाव होगा तो उसके बाद खूनी संघर्ष न होने का इसके लिए पुलिस पहले से अलर्ट हो जाए। क्योंकि तय है, ये तय है, 23 मई के बाद बुआ कहने वाली है ये बबुआ तो गुंडों का सरताज है, और बबुआ बोलेगा कि बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है।